हाय गाइस, गुड मॉर्निंग भाई। आज बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। जिन बच्चों का मैंने स्टेटस डाला था ना व्हाट्सएप पे, वो जो डॉगी थी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी भाई, उसके 6 बच्चे थे और 5 बच्चों को कल एक बड़े डॉगी ने मार दिया। और मारने से पहले भाई मैं गया था और उस वाइट वाले डॉगी को ना उसके पैर पे कोई साइकिल चला गया था, तो मैंने हल्दी और तेल लगाया था तो उसको भी अंदर कर गया था मैं उसके रूम में जैसा हमने बनाया था, ठीक है। पर पता नहीं कौन सा डॉग आया और 5 बच्चों को मार गया, बस 1 बच्चे को मैं बचा पाया। भाई यार बहुत दुख हो रहा है आज यार, और आज गुरुवार है और आज ये सीन हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अब मैं तैयार होकर फिर उन्हें दफनाने जाऊँगा। मम्मी बोल रही है कि बगल में ही दफना दो, अब देखते हैं क्या होता है। पर जो भी करेंगे ठीक करेंगे भाई, बहुत बुरा दिन है आज का यार, सच बता रहा हूँ मैं। गाइस, अभी क्या है ना, मैं जस्ट अपने काम से आया हूँ एंड उसके बाद अब मैं तैयार भी हो चुका हूँ। और वो जो 5 डॉगी के छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक कुत्ते ने मार दिए कल रात में। अब ये पता नहीं क्या हो गया था, उस बड़े वाले डॉगी को भी शायद कुछ हो गया होगा, इसलिए उसने मार दिए। और फिर हम एक बच्चे को बचा पाए, तो हम उसी को, उन सारे 5ों को दफनाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उनको, तो उनके उनको जो खुदा का दिया हुआ शरीर था, तोहफा जिसे हम शरीर बोलते हैं, वो बर्बाद जाएगा और उनकी मिट्टी बेकार हो जाएगी। इसलिए हम उन सभी को एक बॉक्स में रख के और हम जा रहे हैं दफनाने। तो आप बस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर आपकी कॉलोनी में भी कभी भी ऐसा हुआ हो, कोई डॉग अगर एक्सपायर हो गया हो, तो उसकी मिट्टी को मिट्टी के हवाले करना, दफन करना, ना कि ऐसी बेकदरी होने देना। बहुत से लोग मेरी कॉलोनी बोल रहे, कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें डाल दो। भाई जैसे लोग जैसी सोच, भाई जैसी सोच वैसे लोग, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में दिया है ऊपर वाले ने कि हमको क्या करना चाहिए, तो हम वो ही करेंगे। चलो अभी हम चलते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पे आए हैं डॉगी के बच्चों को दफनाने के लिए। बस बस करूँगा। चालू कर दी, अब मैं निकालूँ। ऐसे ऐसे बन रही है, पीछे का कैमरा चालू है ना, तुम्हारी शक्ल आ रही है। जॉनी बन रही।
अरे नमक की थैली नीचे डाल दें। बेचारे कुत्ते ने ऐसा मारा सबको। मैं सोचो कैसा दांत का पाया यार, कलमा सिर पे चढ़ गया उसका। खून लग गया मेरे हाथ में। कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग अभी तीन लोग देख के गए, वो कहीं ये नहीं सोचे हमने क्या गलत कर दिया। क्या है जला भैया। अरे कपड़े सर यहीं डाल रहे हैं हमने। कट्टा ही पहना।
यही पहन दे। चलो तो गाइस हमने यहाँ पे दफना दिया है इन सबको। भाई बहुत दुखी की बात है यार, क्या बताऊँ मैं।